Assalamualaikum. नमस्ते, सत श्री अकाल। How are you all? उम्मीद करते आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, कुछ खाया है इसलिए। मैं आप लोग का होस्ट कुदरत, और मैं हूँ साहिल अफगान। और एक क्या अनाउंसमेंट, तो हम लोग संडे को लाइव आते हैं, लेकिन ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड करेंगे। कल हो जाएगी, संडे वाले दिन हो जाएगी। अच्छा, संडे वाले दिन हो जाएगी। संडे वाले दिन नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग जो है मतलब हर संडे को लाइव आते हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन किया करो 12:30 पे। तो आज एक वीडियो है, जरा पढ़ के दिखाऊंगी इंग्लिश। अक्षय कुमार स्पीच अबाउट इंडिया, बेस्ट एवर सीन ऑफ बॉलीवुड। इंग्लिश। नमस्ते लंदन का जो है, मैंने कहा किसी मूवी का सीन है। उसके बारे में तो कह रहे हैं सीन है, तो सीन है, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं यही कह रहा था, आप लोग कहते हैं स्पीच है। मैं वॉच करते हैं इस सीन को, देखते हैं क्या सीन है, क्या बोल रहे हैं अक्षय कुमार अपने अबाउट इंडिया। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा। लेट्स वॉच। और साथ में जो इंस्टा और फेसबुक भी फॉलो करो। ओ ये तो है ऋषि कपूर। अच्छा कैटरीना है। So shocked to see a nude picture on a beach in some newspaper. I keep getting it. No. What she meant to say was, she's very upset with the press for what they're doing with respected people like you. So don't. You mean that English word to you? अच्छा एक पाकिस्तानी एक्टर है उसमें जो अभी दिखा, ये वाला अबू इज़े। John, Jazz, this is Mr. John Pringle. He's got an old connection with you already. His great grandfather was a high-ranking officer of the East India Company. Yes. Oh, really? Oh, this Hi. Is my fiance, Jazz. Jazz, isn't that a kind of music? It's when did Indians have such fancy names, Charlie? Mm. Actually, it's short for Jasmine. Oh, then Jazz must be your attempt to be one of us. Katrina, I both smart girl you got there, Charlie. Now don't blame her. She doesn't want to be known as coming from the land of snake charm. अच्छा कबाब भी आईडिया आएगा अक्षय कुमार। Tell me, Jazz, do you still do the Indian rope trick in your country? इंडिया के बारे में कुछ कह दिया ना? And it's actually not just the land of snake charmers, right, Charlie? Yes, sir. अच्छा कटरीना मेरे ख्याल में इंडियन होती है ना? It's also a land of chicken tandoori and core centers. Obviously. You know India's not just all that, right? Oh, of course, my dear. India's not all that. Fortunately, Charlie doesn't know, but I do. Winston Churchill once said, "If we ever left India, it would be run by the goons." And my God! अच्छा क्या कह रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आया। कुछ बोल रहे हैं इंडिया के बारे में। मतलब इंडिया गलत कह रहे हैं ना? अच्छा अब इसको समझाएगा ना अक्षय कुमार? मुझे बुरा लगा। अच्छा बिल्कुल। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्यों बुरा लगा? ये इंडियन नहीं है। तुम तो ब्रिटिशर हो। खैर छोड़ो, तुम कहीं की भी रहने वाली हो, रहोगी तो तुम इंडियन ही हो। बिल्कुल करेक्ट। चलो कहाँ? उसके परदादा ने कोई और इंडिया देखा है, असल इंडिया की सैर करवा चल। अभी सिखाया गया इंडिया के बारे में, शायद कुछ बुरा भला कहा ना? हाँ तो बुरा भला कहा। तो अभी इसको जो दिखाते हैं कि इंडिया क्या होती है। टाइप की बात की उसने। मिस्टर प्रिंगल, ही वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट इंडिया। आई रियली आई एम ओनली। अच्छा नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। व्हेन वी ग्रीट वन अनदर वी फोल्ड आवर हैंड्स इन नमस्ते बिकॉज़ वी बिलीव। आप दिखाते हैं अपना हिस्ट्री। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है, और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as prime minister by a Muslim president to govern a nation of over 80% Hindus. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है,
और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। समझा इसको, साथ में थप्पड़ भी। Many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, matru becomes mother, bhratru becomes brother, geometry becomes geometry, trigonometry becomes trigonometry. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5,600 अखबार और 3,500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। We have 5,600 newspapers, 35,000 magazines in over 21 different languages with a combined readership of 120 million. चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian rope trip. Doctors, engineers or scientists ki ginti mein jinab hum sirf do mulkon se peeche. Good. We have the third largest pool in the world of doctors, engineers and scientists. Ye thi dimag ki baat. Ab karte hain taqat ki baat. Duniya mein teesri sabse badi fauj hamare yahan aapke hai. Phir bhi main aapke samne jhuk ke aapko pranam karta hu, kyunki hum kisi ko apne aap se chhota ya kamzor nahi samajhte. Maybe your grandfather didn't tell you that we have the third largest army in the world. And even then, I fold my hands in humility before you because we don't believe that we are above or beneath any. Good. Bahut acha speech kiya. Bahut acha. Matlab koi matlab fraud hi matlab kuch aur khubiyan bhi hai hamare paas. Wo sab janne ke liye main Manoj Kumar ki purab aur paschim ki DVD aapko bhej dunga. Bilkul. In the hand. And जाने दीजिए। नमस्ते। तो बहुत ही मुझे मतलब मैं इंडियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला गया मैं एक अलग कास्ट की हूँ, अलग कंट्री को, तब भी मुझे मतलब ये सब कुछ बोल के अच्छा लगा, क्योंकि आपको जो है कभी भी जो किसी को कमजोर कमतर मतलब नहीं समझना चाहिए। अच्छा जी, नमस्ते। लंदन मूवी का सीन है, मैंने ये मूवी देखी नहीं है, ये तो देखनी पड़ी। ये मैंने भी नहीं देखी, लेकिन ये जो अभी दरमियान में मतलब जो मूवी का तो मतलब सीन है ना, लेकिन इस सीन में जो कुछ 5 मिनट का सीन है, लेकिन अक्षय कुमार ने जो मतलब उनको बताया गया कि अंग्रेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन को ही कमतर समझते हैं, मतलब हम लोगों को भी कमतर समझते हैं, जो पठान अफगान मतलब जो एशियन है, मतलब जो भी एशियन है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे जो है राज किया है, लेकिन वो लोग अभी जो है हम लोगों को जो है कुछ मतलब कमतर समझते हैं सारे अंग्रेज। सुना मैं ये बोल रहा था, लाइक पहले जब वो बात कर रहे थे ना, तो इंडिया के बारे में बात करता है, अक्षय कुमार सुन लेता है ना, इस वजह से जो है अक्षय कुमार कहता है कि मैं थोड़ा आपको सिखाता हूँ कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके वर्ड जो है हमारे संस्कृत से ली गई। बिल्कुल, ये सच ऐसा नहीं की मूवी का कोई डायलॉग है कि यार इन्होंने डायलॉग कर दी मतलब मूवी बनाई, ये बिल्कुल सच है। दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है सब जो है संस्कृत से मतलब कॉपी हुए, थोड़ा बहुत मतलब उनको वर्ड वगैरह कॉपी हुए वहाँ से, वहाँ से जो वर्ड जो है ले गए। दूसरा जो है जो कह रहे थे साइंटिस्ट है कि हम लोग सिर्फ दो मुल्कों से पीछे है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वगैरह में, साइंटिस्ट में कहा, पावर में क्या, मिलिट्री में कहा, मतलब जो यहाँ पे जो उनका कल्चर है उसी के बारे में बताया कि यार हम जितने भी मतलब एक चीज होती है कि दरमियान में एक और बात भी आ जाती है कि कैटरीना मतलब इंडियन होती है, लेकिन वो इंडियन खुद को नहीं समझती, मतलब ऐसा ही कुछ होता है, शादी हो रही होती है ना। तो यार दुनिया में एक चीज बताया तो दुनिया में सब कुछ चेंज हो सकता है, हालांकि आप अपना धर्म भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपकी कास्ट है वो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप दुनिया के जिस कोने में भी रहो, लेकिन आप वही कास्ट के रहोगे, आप वही चीज रहोगे, बेशक आप इस वजह से वही कास्ट में, क्योंकि वही खून होगा उसमें ना, खून वही होता है ना, जिस कास्ट में पैदा हुआ है वही खून होता है, यही तो है। इसीलिए तो मतलब हम लोग तो यही कहते हैं कि दुनिया के हर कोने में जिधर भी पठान रहते हैं वो जो है नस्लन अफगान होते हैं, इस तरह के मतलब अगर इंडिया के कुछ कास्ट है अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन वो रहेंगे वही, अगर वो जो भी है मराठे हो, राजपूत हो, पंजाबी हो, जो भी हो, कास्ट वाले। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया अक्षय कुमार ने, बहुत ज्यादा हमें पसंद आया, और बहुत ही रिलेटिव बोली थी फिल्म से हट के जो है इसने, मतलब ये तो मैं कह रहा हूं ना, रिलेटिव बोली थी जो कि काफी अप्रिशिएटेड था, काफी मतलब पसंद करने वाली वीडियो थी। अभी के लिए आई थिंक हम लोग फिनिश करना चाहिए, हमारे चैनल हमारे रेस्टोर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर किया करें ताकि हमें पता चले आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है, और सो अभी के और
नहीं कर सकते हो, वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, हम इस पर जरूर एक करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।